दस लोगों का काम नहीं। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? दो दिन हो गए। दो दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ, दे जाओ, दे ए, तुम चलो। ए बका, रोहित शेट्टी फिल्म सूर्यवंशी की सक्सेस के लिए किस टेस्टेड और सक्सेसफुल कार्ड का कर रहे हैं फिल्म मेकर्स इस्तेमाल? इस फिल्म के लिए बॉलीवुड में फैंस क्यों हैं खास तौर से एक्साइटेड? स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित कॉप यूनिवर्स की फोर्थ इंस्टॉलमेंट फिल्म सूर्यवंशी जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में हमें अक्षय के अलावा कैटरीना, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर जैसे सितारों को मुख्य रोल में देखने का साथ मिलेगा। रणवीर सिंह और अजय देवगन का भी कैमियो अपीयरेंस इसमें देखेगा। जाहिर है फिल्म धमाकेदार होने वाली है और फिल्म का सक्सेसफुल होना लगभग तय है, लेकिन रोहित शेट्टी का अरेंजमेंट यही नहीं है। फिल्म के सक्सेस को पक्का करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड की उस जोड़ी का सहारा लिया जो हमेशा हिट रही। इस एवरग्रीन जोड़ी के बारे में हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर। हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं अक्षय और कैटरीना की रूमानी जोड़ी जो जब भी स्क्रीन पर आई सारी तारीफें जो है लूट कर चली गई। आज हम आपको सक्सेसफुल री जोड़ी के कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में बताएंगे, तो शुरू करते हैं इनके साथ में आई फिल्म हमको दीवाना कर गई, जिसके गाने आज तक लोगों के फेवरेट्स में शुमार हैं। भले ही फिल्म कमाई में थोड़ी कम रही, लेकिन इस फिल्म से ही लोगों को अक्षय कैटरीना की केमिस्ट्री भा गई। इस फिल्म में उन दोनों के अलावा अनिल कपूर, बिपाशा बासु का भी मुख्य किरदार था। सेकंड नंबर पर इस जोड़ी की रोमांटिक जो कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैटरीना फ्रॉम लंदन और अक्षय कुमार फ्रॉम पंजाब, इस ईस्ट मीट्स वेस्ट फिल्म में धमाल मचा दिया था और सिजलिंग केमिस्ट्री की बदौलत बेहद हिट रही। थर्ड नंबर पर है अनीस बजामी की अकीत कैट स्टारिंग बेस्ट कॉमेडी फिल्म वेलकम, जिसमें कैटरीना ने अंडरवर्ल्ड डॉन्स की बहन का किरदार निभाया और अक्षय यानी फिल्म के हिसाब से राजीव को प्यार हो जाता है, लेकिन राजीव के मामा अंडरवर्ल्ड के रिश्तेदार निकलते हैं। अब राजीव कैसे इस इम्पॉसिबल रिलेशनशिप को पॉसिबल बनाता है यही फिल्म में दिखाया गया। आज के लिस्ट में लास्ट नंबर पर है अनीस बाजमी की ही कॉमेडी फिल्म सिंग इज किंग, जिसमें उन्होंने बार बार कॉमेडी और लॉट्स ऑफ प्यार के तड़के लगाए हैं और यहाँ यही कारण है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसी तरह से अक्षय कुमार कैटरीना की जोड़ी उन रेयर बॉलीवुड पेयर्स में से एक है जिनकी फिल्म सक्सेसफुल हुई है, लेकिन लोगों का ध्यान बतौरने में हमेशा कामयाब होती आई हैं। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोहित शेट्टी ने एक बार फिर से जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन पर लाने का फैसला किया। अभी जोड़ी इस बार क्या कमाल दिखाती है ये जानने के लिए तो हमें इंतजार करना होगा, पर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन दोनों को साथ में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े थे ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है उपासना पांडे ने।